हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग की वो है आपकी 279 जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ निकाली गई हैं। 279 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 279 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है वो स्टाइप एंट्री ट्रेनिंग ऑपरेटर और मेंटेनर की है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर और मेंटेनर की ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 279 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 22 अगस्त से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 अगस्त से ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी। लास्ट डेट जो है आवेदन करने की, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की, वो है आपकी 11 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 11 सितंबर 2024 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की ये वैकेंसीज हैं। अगर हम वैकेंसी डिटेल देखें, पोस्ट वाइज अगर हम वैकेंसी डिटेल चेक करें, तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग ऑपरेटर की वो 152 करंट वैकेंसी है, और आपकी वन वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में है। इस तरह से 153 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 153 टोटल वैकेंसी हैं आपकी स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड ऑपरेटर की। इन वैकेंसीज में से एससी कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी रिजर्व हैं, एसटी के लिए 20 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसी रिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 61 वैकेंसी आपकी रिजर्व रखी गई है। बैकलॉग में 1 वैकेंसी है और ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से 157 टोटल वैकेंसी हैं, 152 करंट वैकेंसी आपके। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग आपकी कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग मेंटेनर की। मेंटेनर की आपकी टोटल वैकेंसी, करंट वैकेंसी 115 है, और आपकी बैकलॉग में 11 वैकेंसी हैं। इस तरह से टोटल 126 यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग मेंटेनर की वैकेंसी है। इन वैकेंसीज में से 19 वैकेंसी जो है वो आपकी एससी कैटेगरी में रिजर्व है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसी रिजर्व है, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11, 5 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 48 वैकेंसी वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से आपकी जो है वो 11 वैकेंसी इसमें बैकलॉग में है, जिसमें 6 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 5 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल 126 टोटल वैकेंसी है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग मेंटेनर की। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें दोनों वैकेंसीज को, तो 267 करंट वैकेंसी है और 279 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं ये स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग ऑपरेटर और मेंटेनर की। अगर हम स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग मेंटेनर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 115 जो करंट वैकेंसी है, और 126 जो है वो आपकी बैकलॉग वैकेंसीज के साथ हैं। अगर हम इसमें डिसिप्लिन वाइज बात करें, जैसे इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी 28 है बैकलॉग वैकेंसीज को मिला के। करंट में 26 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, 3 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 और अनरिजर्व में 11 वैकेंसी हैं। और अगर आपकी बैकलॉग में 2 वैकेंसी हैं और ये दोनों वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फिटर की आपकी जो है 52 करंट वैकेंसी हैं और 2 वैकेंसी आपकी जो है वो बैकलॉग में है, 54 टोटल वैकेंसी हैं। इन 52 या 54 वैकेंसीज में से 9 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में रिजर्व है, 7 एसटी, 10 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 2 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, और 21 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। बैकलॉग में 2 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 14 है, जिसमें से 8 वैकेंसी जो है करंट है और 6 वैकेंसी जो है वो आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। 14 वैकेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल वैकेंसी, इनमें से 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में रिजर्व है, एसटी में 1 है, 2 आपकी ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, और 3 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। जो बैकलॉग वैकेंसी है उनमें 6 वैकेंसी जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इस तरह से आपकी 14 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 25 करंट वैकेंसी है और 26 आपकी 1 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है। इस तरह से 26 आपकी टोटल वैकेंसी है। ये जो 25 करंट वैकेंसी हैं, इनमें से एससी के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है, 3 वैकेंसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 और 11 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। ये जो 1 वैकेंसी बैकलॉग की वैकेंसी है, ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। मैकेनिक्स या टर्नर की आपकी जो है टोटल 2 वैकेंसी हैं और ये करंट वैकेंसी हैं, जिसमें से 1 वैकेंसी जो है वो आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो वेल्डर की है।
वेल्डर की भी आपकी 2 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी में है और 1 वैकेंसी आपकी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। सॉरी, 1 वैकेंसी जो है आपकी वो 2 वैकेंसी हैं, जिसमें से 1 वैकेंसी SC और 1 वैकेंसी आपकी PWBD और 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से आपकी ये जो 3 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 2 लिखा गया है, जबकि यहाँ पर 3 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी PWBD और 1 वैकेंसी आपकी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है, डिसिप्लिन वाइज जो है, ये आपकी वैकेंसीज हैं जिनको कैटेगरी वाइज हमने चेक किया है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कैटेगरी 2nd स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लस 2 पास आप होने चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए, और 12वीं में आपने जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है पढ़े होने चाहिए, 50% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आपने जो है प्लस 2 पास की होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश जो है आपने 10th लेवल के ऊपर जो है वो स्टडी की होनी चाहिए, 10th और 11th में आपने जो है वो इंग्लिश, 12th में, 10th और 12th में आपने जो है वो इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, कम से कम 10th में तो आपने पढ़ी ही होनी चाहिए इंग्लिश, तभी आप को एलिजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर की। स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर की अगर आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में ITI होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, टर्नर और वेल्डर, इन में आपकी जो है ITI होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, तभी आप रेलिवेंट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th में जो है आपने जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए और 2 ईयर्स की आपकी ITI होनी चाहिए। अगर आपकी ITI जो है 1 ईयर की है, और तब आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर भी आपने इंग्लिश जो है वो 10th लेवल तक कम से कम पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपकी जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर दिया, हाइट और वेट, हाइट आपकी जो है वो 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 45.5 kg आपका होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट और 45.5 kg का आपका जो है वजन होना चाहिए। जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो एज जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी 18 से 24 साल, मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर आपकी जो है वो एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 24 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, 24 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 11/9/2024 जो है वो कट ऑफ डेट है, यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर पाएंगे अपनी एज को। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है, जैसे SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर की, OBC कैटेगरी को 3 ईयर की, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर की PWBD, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 15 ईयर की PWBD, OBC कैटेगरी से हैं तो 13 ईयर की, डिपेंडेंट हैं जो 1984 के राइट्स के दौरान मतलब डेथ हुई थी जिनकी, 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है उनको, डिपेंडेंट डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी 5 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ दी गई है, और अगर आप विडो हैं, डिवोर्स वुमन है, वुमन है जुडिशली सेपरेट हुए थे अपने हस्बैंड से, रीमैरिज नहीं करी है जिन्होंने, 35 की एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC/ST से हैं, तो 40 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्किंग करते हैं NPCIL में, तो तब आपको जो है 5 ईयर की अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, फिक्स टर्म बेसिस पे अप्लाई करते हैं, काम करते हैं NPCIL में, तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो फीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 100 रुपीज़, और ये फीस जो है आपकी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए जी ये फीस रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं, तब ये फीस आपने देनी है, और वो भी जो है जनरल कैटेगरी से होनी चाहिए, EWS कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से, तब आपके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। 100 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी है जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जो है वुमेन कैंडिडेट्स हैं, या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWBD कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विस मैन है, SC/ST PWBD एक्स सर्विस मैन, DO/DPKI हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉई है NPCIL के, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ही यहाँ पर जो है फ़ीस रखी गई है, और जो आपकी फ़ीस है वो है 100 रुपीज़। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 11 सितंबर और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 22 अगस्त से। 22 अगस्त से आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लिंक आपका जो है वो
ओपन होगा 22 अगस्त से, लास्ट डेट 11 सितंबर है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।